नमस्कार, मैं रुपया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन में सामने आए 34,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड-19 का संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर 34,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 10,36,000 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक संक्रमण की वजह से 65,480 लोग बीते 24 घंटे में ठीक होकर घर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे में 681 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रभावित राज्यों की बात करें तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 266 लोगों की जान गई है। वहीं कर्नाटक में 105, तमिलनाडु में 70, दिल्ली में 58, आंध्र प्रदेश में 40 और उत्तर प्रदेश में 32 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का किया ऐलान। देश में अब मनमानी करने वालों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जल्द ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू करने का ऐलान कर दिया है। खबरों के अनुसार 20 जुलाई 2020 को यह अधिनियम देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के जगह पर लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत ग्राहकों को पहली बार अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकते हैं। पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। इसके लागू होने के बाद अगले 50 साल के लिए देश में कोई अन्य कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव आयोग ने प्रचार मुहिम को लेकर राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव। इस साल देश में जिस जिस राज्यों में चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं कोविड-19 के लगातार बढ़ते माहौल को देखते हुए साथ ही चुनाव का आयोजन करवाना फिलहाल चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। वहीं अब चुनाव आयोजन को लेकर के भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों कोविड-19 के इस माहौल में मद्देनजर चुनाव अभियान और सार्वजनिक बैठक को आयोजित करवाने को लेकर अपने विचार और सुझाव भेजने की अपील की है। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक रखी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव का भी आयोजन करवाया जाना है। वहीं आयोग ने अपने पत्र में देश में कोविड-19 के मौजूदा हालात की ओर इशारा किया है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लगा झटका। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने कोविड-19 की दवा को खोज निकालने का दावा किया था, जिसके कुछ समय बाद ही आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। वहीं बाबा रामदेव की कंपनी को मद्रास उच्च न्यायालय से एक और झटका लगा है और उसने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल के इस्तेमाल से रोक दिया है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति सीबी कीर्तिकेयन ने चेन्नई के कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के अंतिम आदेश जारी किया है। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में कोरोनिल 213 SPL और कोरोनिल 92B को पंजीकरण कराया था और वह तब से उसी नवीकरण कर रहा है। अलीबाबा की यूसी वेब कंपनी ने भारतीय कर्मचारियों की छटनी की शुरू। भारत चीन सीमा विवाद के बाद 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रभावित कंपनियों ने देश में कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। इन कंपनियों का कहना है कि प्रतिबंध की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ग्रुप के यूसी वेब, जो कि यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज का संचालन करती है, उसने देश में अपने 90% कर्मचारियों की छटनी का काम शुरू कर दिया है। यूसी वेब के भारत में वर्तमान में 350 कर्मचारी है। यूसी वेब अपना परिचालन पहले ही बंद करा चुकी है, जिससे इसके गुरुग्राम और मुंबई कार्यालय में लोगों की छटनी प्रारंभ हो गई है। यह कंपनी प्रतिबंधित चीनी ऐप की सूची में शामिल है। वह इस बाबत यूसी वेब के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमने 59 ऐप इसलिए संबंधित सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और सेवा को बंद कर रहे हैं। युवाओं द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने पर राहुल गांधी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी ने अपना बयान जारी किया है। राजस्थान में फिलहाल वरिष्ठ बनाम युवा के बीच में लगातार खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकार पर सत्ता जाने के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का उदाहरण देते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने कभी पायलट या सिंधिया को कुछ नहीं बोला है। इसी बीच राहुल गांधी ने युवा नेताओं की पार्टी छोड़ने को लेकर आलोचना की है, साथ ही अपना बयान भी दर्ज किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे नए नेताओं के लिए अवसर बनेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपको इन घटनाक्रमों से चिंतित नहीं होना चाहिए, इससे आपके लिए आगे नए अवसर खुलेंगे। आरोग्य सेतु बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। कोविड-19 के इस माहौल में प्रभावितों से संबंधित सभी जानकारी को साझा करने के लिए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआती समय में इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था। सिर्फ अप्रैल महीने में 8.08 करोड़ बार इसको डाउनलोड किया गया है। वहीं जुलाई तक एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर आरोग्य सेतु को 12 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप्स में आरोग्य सेतु ने दूसरे ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जहां आरोग्य सेतु को दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है, वहीं
भारत कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करने के मामले में चौथे नंबर पर है। भारत में 12.5% आबादी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करती है। कोविड 19 के इस माहौल में लोगों का रुझान पेंशन की ओर बढ़ा। वर्तमान समय में कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं कोविड 19 के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों का रुझान पेंशन की तरफ देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की प्रमुख अंशदान आधारित सेवा निर्मित बचत योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अप्रैल जून तिमाही में 1.03 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, NPS ने 30% की वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने यह जानकारी खुद ही साझा की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि निजी क्षेत्र से करीब 1.03 लोग व्यक्तिगत अंशधारक 206 कंपनियों को NPS से जोड़ा गया है, जिसमें से 43,000 कंपनी अथवा उनके नियोक्ताओं के जरिए जुड़े हैं, जबकि बाकी बचे व्यक्तिगत तौर पर योजना से जुड़ रहे हैं। फुटबॉलर सुनील छेत्री ने लगाई बाढ़ प्रभावित असम के लोगों के लिए मदद। भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने शुक्रवार को बाढ़ से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य असम पर ध्यान देने की अपील की है और सहायता की मांग की है। उन्होंने कहा है कि असम के कई जिले बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहां लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है और काफी लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से अभी तक 70 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और राज्य में 26 जिलों में करीब 40 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि इस विपदा में काफी जान जा चुकी है, जिसमें लोग और जानवर शामिल है, और मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं कि इनकी संख्या बढ़े नहीं। हालांकि सिर्फ सुनील छेत्री हैं जिन्होंने असम में आई बाढ़ के लिए लोगों से मदद की मांग की है। पार्सल डिलीवरी नहीं होने पर डाक विभाग को ट्विटर द्वारा दर्ज करवा सकते हैं शिकायत। सोशल मीडिया इस वक्त कोविड 19 के इस माहौल में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, जिसका इस्तेमाल आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए भी होने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय डाक विभाग भी अब सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों की परेशानी का हल निकालने लगा है, जिसके तहत ट्विटर के जरिए अपने कस्टमर्स की परेशानी का समाधान किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल नेटवर्क है। रोजाना लाखों डिलीवरी करने का भार विभाग के कंधे पर ही होता है। इस बीच पार्सल न पहुंचने से लेकर अन्य समस्याएं तक विभिन्न ने ट्विटर के जरिए उनका समाधान निकाल रहा है। भारतीय डाक विभाग को फिलहाल ट्विटर पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। कोरोना के इस माहौल में हरिद्वार को किया गया सील। भारत में कोविड 19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की हर परिस्थिति को हटाने के लिए और काबू करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार की सीमाओं को बंद करने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, यूपी समेत किसी भी राज्य से लोग हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाए, इस बात की सुनिश्चितता की जाएगी। इतना ही नहीं, यह आदेश 20 जुलाई तक फिलहाल लागू रहेगा। हालांकि 20 जुलाई के दौरान सोमवती अमावस्या भी आने वाली है, लेकिन सरकार के सख्त फैसले के मुताबिक श्रद्धालु सोमवती अमावस्या के लिए भी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाएंगे, जिसकी पुष्टि हरिद्वार के SSP सेंथिल ने की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि इससे पहले सावन शुरू होने पर कांवड़ यात्रा को भी उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया था, ताकि कांवड़ियों की भीड़ ना देखने को मिले। भारतीय महिला टीम की विराट कोहली का आज है जन्मदिन। भारतीय महिला टीम की विराट कोहली कही जाने वाली स्मृति मंधाना का आज 24वां जन्मदिन है। दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाली स्मृति मंधाना अपने बल्लेबाजी के लिए बखूबी जानी जाती है। इतना ही नहीं, घरेलू वनडे मैच में उन्होंने शतक भी ठोक दिया था, जिसके बाद से उनका पूरा नाम देश में पहचानने लगा था। फिर भारतीय टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति मंधाना ने अक्टूबर 2013 में गुजरात के खिलाफ महाराष्ट्र की टीम के लिए खेलते हुए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया था। महज 150 गेंद में स्मृति मंधाना ने 224 रन बनाए थे। BCCI के बाद ICC ने भी उनको बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने देने के खिलाफ सबूत नहीं पेश करने पर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का किया वादा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कंगना रनावत लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपने बयान जारी करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उन्होंने कई बड़े सितारों को आड़े हाथों भी लिया है। हालांकि उन्होंने अब रिपब्लिक टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद मुंबई पुलिस ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं इन दिनों मनाली में हूं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप किसी को मेरे बयान के लिए मनाली भेज सकते हैं, लेकिन इसके बाद मुझे पुलिस ने संपर्क नहीं किया। इतना ही नहीं, इस बातचीत के दौरान कंगना ने यह भी कहा कि मैं आपको बता रही हूं, अगर मैंने कुछ कहा है और उसको मैं साबित नहीं कर सकती और जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी, क्योंकि फिर मैं इसके लायक नहीं हूं। रेल मंत्री ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर नई व्यवस्था की दी जानकारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करके प्लेटफॉर्म पर नई व्यवस्था के शुरू होने की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और वहां पर लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है वहां की लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाती है, जिसकी जानकारी पीयूष गोयल ने दी है और अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए रेलवे ने जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था की है, जिससे ट्रेन से आने पर स्टेशन की सभी लाइट चलेंगी और जाने पर आधी लाइट बंद हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटिक रखा गया है, उससे ऊर्जा की खपत कम होगी, साथ ही बचत भी होगी। रेलवे ने चीनी कंपनियों को दिए 471 करोड़ के ठेके को किया कैंसिल।
सीमा पर तनाव कम हो जाने के बाद सरकार ने चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा है। इसी क्रम में रेलवे ने सार्वजनिक उपक्रमों के खराब प्रगति के कारण चीनी फर्म के सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को कैंसिल कर दिया है। दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को कैंसिल किए जाने के बाद वहां के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं अब इस डील के दूसरे सबसे कम रेट पर ऐड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। यह ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दो खंड के लिए था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद लगातार दोनों देश के बीच में तनाव की स्थिति बरकरार है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के इस माहौल में आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या आरोग्य सेतु ऐप को अब तक डाउनलोड किया है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।